प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने संगठन को मजबूत करने और इसके विस्तार को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके चलते लगातार पार्टी द्वारा विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जा रही है। इसी क्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह ने दमोह के योगेंद्र कुशवा को समाजवादी युवा जनसभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस और भाजपा को कड़ी टक्कर देगी, जिसके लिए पार्टी ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। अभी हमने पार्टी की जो अनुशासन समिति बनाया था, उस अनुशासन समिति को कल हमने भंग कर दिया है और नई अनुशासन समिति बनाई जाएगी। साथ ही जो लोग कुछ सोशल मीडिया में अनुशासन भंग करते हैं, उनको दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी के द्वारा कि आप लोग अनुशासन में रहें और पार्टी हित में काम करें, अन्यथा आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के लिए तो हमारे बड़े नेता जरूर आएंगे, लेकिन अभी हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। अब तैयारियां जब हो जाएं तब हम बड़े नेताओं को बुलाएंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा है मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे और मध्य प्रदेश में आते रहेंगे, आप तैयारी करिए। 14 अप्रैल को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम बन चुका है महू आने का, और मैं लिखित में 11 तारीख को एक और पत्र दिया हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि हम छतरपुर में उनको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे डेट तय होगी हम आप लोगों को सूचित करेंगे। और एक बात और है, हमारी समाजवादी पार्टी ने निर्णय कर लिया है, कल उसकी घोषणा भी हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी के द्वारा हो चुकी है कि 2 मार्च को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। उस घेराव की तैयारियां भी आज से हमने शुरू कर दिया है कि किस ढंग से हमारी तैयारी होगी और कैसे हम अपने घेराव में सफल होंगे। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, क्योंकि इस समय सरकार केवल घोषणा करके, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे मजदूर हों, चाहे किसान हों, चाहे नौजवान हों, सभी बेहाल हैं, किसान तो और ज़्यादा परेशान हैं। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, जिस संबंध में हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी पूरी तैयारी के साथ अपने लग गए हैं और हमारी क्या रूपरेखा होगी और हम जिलों से कितने लोगों को आमंत्रित करेंगे, यहाँ खास तौर से भोपाल संभाग के लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बुलाएंगे। और काफ़ी हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है इस बात को लेकर के, और सभी लोगों ने हमको बधाइयाँ दिया है। ये बहुत अच्छा है आपने निर्णय लिया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आप संघर्ष करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।